स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस चैनल में। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। इमली की चटनी खट्टी मीठी सभी को पसंद है और इतना टेस्टी ये चटनी बनेगी। तो रात में मैंने 200 ग्राम इमली पानी में भिगोकर छोड़ा था और देखिए एकदम फूल कर ये तैयार हो गया। हाथ से ही इसको मिक्स कर रहे हैं, इसके सारे जितने भी गुद्दा है ताकि सब ये निकल जाए। और एक बड़े वाले छन्ना से एक बॉल नीचे रख कर उसे छान रहे हैं और जो फिर इसको जो बचेगा तो फिर उसमें थोड़ा पानी डालकर इसी तरह फिर डालेंगे ताकि इसका सारा जितना भी है निकल जाए। और बीच बीच में इसी तरह से चम्मच से भी चलाएंगे ताकि इसका सब जितना भी है ये निकल जाए। और इसका जो बचा हुआ है देखिए कितना इसमें ये सब है, अगर आप नहीं छानिएगा तो एकदम पूरा गंदा इसमें चला जाएगा। और ये छान कर तैयार हो गया है, कढ़ाई गर्म हो गई है, एक चम्मच शुद्ध घी डालेंगे और जो देखिए एकदम घी गर्म हो गई है तो ये जो निकाल के रखे थे इमली का पूरा एकदम गाढ़ा है। देखिए कलर इसका देखिएगा धीरे धीरे चेंज हो जाएगा और देखिए कितना अच्छा से एकदम उबाल आ रही है। थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डाले हैं, उसके लिए गुड़ का बना रहे हैं। गुड़ का बनाने से ज़्यादा अच्छा होता है, चीनी से चीनी का खाने से थोड़ा सा वो आपका हानि करेगा मगर गुड़ का कोई हानि नहीं करेगा आपका। देखिए 200 ग्राम इमली है तो बराबर ही पड़ेगा, 200 ग्राम गुड़ भी डाले हैं, एक छोटा कटोरी से चीनी भी डाल रहे हैं ताकि दोनों का फ्लेवर अच्छा है। और बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे और आपको 20-25 मिनट तक इसी तरह चलाते रहना है। और कभी आपको अगर लगे तो आज कभी धीमा भी कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा उबाल आ गया, चारों तरफ से जो इसका फेन है वो थोड़ा गंदा लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा इसको भी निकाल कर इसको फेंक देंगे। देखिए कितना अच्छा से एकदम उबाल आ रहा है, एकदम अच्छा से इसको चाशनी को बढ़िया से पकने देंगे ताकि थोड़ा गाढ़ा हो जाए। गुड़ चीनी और इमली का पानी सारा एकदम अच्छा से तीनों पक जाए, एकदम बराबर से हो जाए। देखिए कितना अच्छा एकदम कलर, इतना टेस्टी ये चटनी बनेगी। आप किसी भी भरा हुआ आइटम के साथ या आप दही भरा हुआ या आपका कुछ भी, देखिए नारियल है, किशमिश है, काजू है, सबको कटिंग किए हैं और कलछुल में घी डालकर इसे भी थोड़ा फ्राई कर रहे हैं ताकि ये सोना पना है। अगर आप डायरेक्ट डालिएगा तो वो क्या होगा, आपका ये लंबा दिन तक चटनी नहीं चलेगी, ख़राब हो सकती है, इसलिए इसे फ्राई करके। और ये फ्राई करके डालने से भी थोड़ा ये एकदम आपका कुरकुर रहेगा सारा चीज़। किशमिश भी डाले हैं, फल भी कटिंग करके उसको फ्राई करके डाल सकते हैं मगर डालने से क्या वो लंबा दिन आपका चटनी नहीं चलेगा। देखिए बनकर तैयार हो गया, एक चम्मच मिर्ची पाउडर डाले हैं, कलर देखिए कितना सुंदर आया है, गुड़ डालने से इसका कलर एकदम इतना अच्छा गया। ये इमली चटनी बनकर तैयार हो गया, कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़े हैं और जितना भी ड्राई फ्रूट इसको फ्राई किए थे वो डालकर देखिए चटनी इतना अच्छा बना, टेस्टी बना। अगर ये डिश पसंद आए तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ये डिश कैसा आप लोग को लगा। बहुत मेहनत करते हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये चटनी देखिए बनकर एकदम तैयार हो गया, गाढ़ा हो गया है और शीशे वाला व्यायाम में आप इसे 2 महीना तक रख सकते हैं। थोड़ा फ्रिज में रख के रखिएगा तो और भी लंबा दिन चलेगा। अगर ये डिश पसंद आए ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा। और ये बनकर कंप्लीट है, थैंक यू।